चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। मुंबई स्थित खेरवाड़ी में कांग्रेस के मुंबई प्रदेश सफाई कामगार सेल के अध्यक्ष राजेश रिडलान ने खेरवाड़ी भारत नगर में मौजूद कार्डिनल हाई स्कूल और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का जायजा लिया। राजेश रिडलान केवल ये जानना चाहते थे कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या तैयारियां है। राजेश रिडलान सबसे पहले पहुंचे कार्डिनल स्कूल, जहां उन्होंने क्या देखा आप भी सुनिए। कार्डिनल स्कूल में मेरी जो टीम है, हमारी मुंबई कांग्रेस की जितनी टीम है, हम लोगों ने 4 दिन पहले लेटर दिया था। दिल्ली के जो गुरुग्राम में जो हादसा हुआ है वो देखकर हम दम थे, और मैं यहाँ पर ही रहता हूँ, कॉलोनी में ही रहता हूँ, तो यहाँ हमारे आजू बाजू में कार्डिनल, इसके बाजू में भी न्यू इंग्लिश स्कूल वगैरह है, तो हमको ये लगा कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही सबके साथ सबके विकास के लिए काम किया है। तो हमने स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर दिया कि हम सिक्योरिटी को देखने के लिए हम स्कूल में आने वाले हैं। जैसे कि आज आप लोगों के माध्यम से मैं बता दूं, सुबह हम लोग यहाँ पर सुबह बोलकर भी गए थे, हमने स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी इत्तला किया हुआ है, लेकिन जब मैं आकर देखा मैंने तो एक बार तो मैं डर गया, क्योंकि गेट पर कोई कैमरा था नहीं, और पहली बार में यहाँ के स्कूल के प्रबंधन ने जिस प्रकार से घबराहट दिखाई उसे देखकर मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। लेकिन उसके बाद में जो हमारी वाइस प्रिंसिपल मलिका उस्मानिया जी है, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया, और देखने में यह आया कि यहाँ का जो सिक्योरिटी विजन है वो लाचर है, प्रॉपर तरीके से काम कर नहीं रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट की है स्कूल मैनेजमेंट से कि आप ये जो सिक्योरिटी विजन है, जो कैमरे हैं, इनको प्रॉपर आप चेक कराइए। वही इस स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट ने भी बताया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनकी क्या तैयारियां है। सिक्योरिटी की आप जब बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉरमोस्ट हमारा गेट है, गेट पर वॉचमैन है, और जब भी बच्चे आते हैं तो गेट के अंदर उनको लिया जाता है, बाद में गेट बंद करके लिया जाता है, कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता। वॉचमैन को ही मालूम है कि कोई बच्चा अगर जाता है तो वो रिपोर्ट करता है। अगर कोई बच्चा अगर बीमार हो गया तो हम यहाँ से पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनके सिग्नेचर लेते हैं, तब बच्चों को बाहर भेजते हैं। हमारे सिग्नेचर के बिना बच्चा बाहर नहीं जा सकता। और जो भी कोई आता है, तो कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है तो उधर वो वॉचमैन देखता है, एंटर करता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, पेरेंट्स हैं कुछ है, तो उनको आके यहीं बैठने, अंदर जा नहीं सकते, वो स्कूल में जा नहीं सकते, सिर्फ यहीं ऑफिस के वहाँ बैठेंगे, ये देखा जाता है पहले। तो वो वॉचमैन, वो सिक्योरिटी फर्स्ट है। उसके बाद में हर क्लास में CCTV कैमरा लगाया गया, ऑल द क्लासेस, ऑल्सो द कॉरिडोर्स, ऑल्सो दैट साइड ऑफ द कैंपस, दिस साइड ऑफ द कैंपस, दिस साइड ऑफ द गेट, सो ऑल द कैमराज आर देयर, एंड इफ यू वॉन्ट टू सी एनीथिंग वी कैन सी द फुटेज ऑफ द कैमरा। Because of these camera also, now in the classes, there is more of discipline, less of fighting, even if teachers are not there, children are behaving very well. So we can know, by the footage only we can come to know. If any child is also picking up anything, we can come to know from the camera. So that is the best assist, what our father has done, putting the CCTV camera in all the classrooms. इसके बाद जब राजेश रिडलान इंडियन एजुकेशन सोसाइटी पहुंचे तो उनको ये कहकर स्कूल में जाने नहीं दिया गया कि स्कूल में ना तो ट्रस्टी है और ना ही प्रिंसिपल। मैंने इंडियन एजुकेशन में 11 तारीख को लेटर दिया था, सारे स्कूलों को लेटर दिया हुआ है, स्थानीय पुलिस स्टेशन को लेटर दिया हुआ है कि हमको हमारे बच्चों की सिक्योरिटी के लिए हमको एक विजिट करना है, और वो विजिट के लिए उनका मैंने इस पे उनका ये भी लिया हुआ है रिटर्न कॉपी में। और अभी जैसे ही हम आए तो गेट पर उनके जो वॉचमैन थे वो बोले कि हम ऊपर फ़ोन करते हैं, तो 2 मिनट में उन्होंने बोला कि फ़ोन खराब है, ताला लगा के चले गए। 10 से 15 मिनट के बाद में एक मैडम आती है और वो बोलती है मैं कि प्रिंसिपल तो अभी जगह पे है नहीं, तो आप अंदर विजिट नहीं कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल कब आएंगे, हादसा होने के बाद में आएंगे बाहर,
बच्चे लोगों को बंदी करके रख दिया है, ताला लगा के रख दिया है हमको बाहर देख के। हम सिर्फ विजिट करने आए हैं, हम सिर्फ देखने आए हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित है या नहीं। गुरुग्राम में हुए घटना के बाद भी स्कूल कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अब देखना होगा कि आखिर मुंबई में मौजूद इन स्कूलों की आंखें कब खुलती है।